बीती 5 जनवरी नूं इलाके अंदर पई मोहलेधार बारिश तो बाद पिंड बापला विखे अजे भी 65 तों 70 एकड़ जमीन कणक की फसल पानी विच डुबी हुई है। गुरद्वारा शहीदां दे नाल लगमी इस जमीन अंदर कणक की फसल पूरी तरह तबाह होने के किनारे ते है। दोस्तों असी अज पहुंचे पिंड बापला जिथे बीती 5 जनवरी नूं बहुत भारी जिहड़ी बारिश हुई सी उहदे नाल 50 तों लैके 70 एकड़ तक जमीन दे विच पानी जिहड़ा भरिया होया ते कणक दे खेत आ जिहड़े डुबे होए ने, फसल नुकसानी गई है। परंतु हजे तक प्रशासन कोल बार बार पहुंच करन दे बावजूद भी इस पानी का ना तो कोई हल ही होया ते ना ही कोई अधिकारी इत्थे बोड़िया। मौजूद ने किसान जिन्हां दी जिहड़ी कणक है वह पानी च डुबी हुई है, सरदार कुलदीप सिंह जी बापला। कुलदीप सिंह जी किन्ने एकड़ जमीन है तुहाडी जिहड़ी पानी च डुबी हुई है? 13 एकड़ जी। 13 एकड़। कदों तों है इह? मान लो 5 तरीक तों, जिदन तों मान लो मीह पिया उदन तों। तुसीं इह पानी कढ़न लई जां अगे तोरन लई कोई प्रशासन कोले पहुंच कीती? हां जी, करी, कोई नहीं आया। अच्छा जी। इह मान लो इह दूजे मूहरले ड्रापा दे दिंदे ने वी असीं कुछ खा लांगे जां असीं ऐं कर लांगे, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖ ਲੋ 4 ਕਿੱਲਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਜੂ। ਮੇਰੇ 12 ਕਿੱਲੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? ਮੇਰੀ 4 ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਸੀਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।